जब मैं 8 महीने पहले घर गया था, तब मैं इतना खुश नहीं हुआ करता था जितना कि आज 3 साल बाद अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके घर जा रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। और हाँ, एक तरफ दुख भी है, वो दुख जो ज़्यादा लंबा रहने वाला है। शायद इसलिए कहते हैं कि जब कोई बिछड़ता है या दूर होने लगता है तो याद बहुत आने वाला होता है वो लम्हा। पर ये तो अलीगढ़ है, शायद इसलिए। ऐसा नहीं है कि खुद खुश ना हो पाऊँगा, पर इंसान हमेशा खुश थोड़ी ना होता है यार। कभी लम्हा आता है याद दिलाने के लिए, क्योंकि पता कैसे चलेगा कि किसी के बिछड़ जाने के बाद चाहने की अहमियत क्या होती है। चलो हम आगे का सफ़र शुरू करते हैं। खैर, ये तो अलीगढ़ है, मोहब्बत का शहर। इसलिए इस शहर के बिछड़े हुए लोग कहते हैं जब बंदा ये शहर छोड़ के जाता है तो वापस आने में देर नहीं करता। बस शायद अभी ये शुरुआत है मेरे दोस्त। वो कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है, अब चल आगे बढ़ते हैं। लेट बिगिन। तो हमारा फाइनल हो गया और हम निकल रहे हैं घर की ओर, और पैमान ऑलरेडी हमने जो है वो बिल्कुल पैक कर लिया है। और ये हमने 2 दिन, 1 दिन पहले कर दिया था क्योंकि बहुत जल्दी हम निकलने वाले थे घर, अक्सर किसी न किसी बहाने लेट हो गए। और फिलहाल के लिए हम निकल रहे हैं। 3 बैग है मेरे पास, एक पीछे बैग लगा हुआ है और एक सामने है सिर्फ, और एक और बैग है वो हाथ में पकड़ के लेकर चलेंगे, लेकिन काफ़ी भारी सामान है और सफ़र भी बहुत लंबा है और टफ भी है क्योंकि गर्मी भी ऐसी है कि सफ़र में बहुत परेशानियाँ आएंगी और आती रहेंगी। फिलहाल आप जानते ही होंगे सफ़र में इस वक्त गर्मी की हालत में क्या हालत होती है। सो हम निकलते हैं फ्रॉम से। देखो ये मेरे किसी काम के नहीं है, आप लेके जाओ। हाँ, तो असल में मेरा जो है कबर्ड खाली हो चुका है बिल्कुल एकदम, इसमें सिर्फ किताबें रखी हुई हैं, वो मेरे काम की नहीं है। तो बाकी जो कपड़े पड़े वो उठा के फेंक देंगे, बहुत पुराने भाई। क्या हो गया? तो ये हमारे गुलजे भाई हैं, ये हमारे उमर भाई हैं। भाई कोई गलती हो तो हमें माफ कर देना। अरे किस बात की गलती है यार, कोई गलती नहीं है यार, हम लोग आपस में भाई हैं, हमेशा भाई रहेंगे इंशाल्लाह। आपकी आपकी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं हमेशा याद रखूंगा, हमेशा अच्छी चीजें आपके साथ गुजरी हैं और अच्छी चीजें याद रहेंगी इंशाल्लाह। बहुत कुछ आपके साथ, और हमारे साथ रूम पे रहते हुए 3 साल यहाँ पे हम लोगों ने बताए हैं। और हम ऑलरेडी आप सबको पता है कि हमारा क्या रिलेशन रहता है रूममेट वालों के साथ, एक फैमिली होती है एक। हाँ यार, सब ये चीजें मैंने पढ़ी हुई है, असल में मुझे चाहिए नहीं, ये घर में भी पढ़ी हुई है मेरे पास। मैं ले लूँ इनको? ना ले जाओ, काम आएंगे, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। असल में मेरे पास है पर घर में पड़ी हुई है। यूपीएससी की तैयारी के लिए यहाँ पे किताबें रखी हुई थी मैंने, वो असल में मैंने पढ़ी हुई है। अच्छा। और अभी भाई को दे दिया, ये पढ़ लेंगे। आप देख रहे हैं और कुछ, अगर और कुछ भी चाहिए सब कुछ यहाँ देख लो, सब कुछ है। फ्री 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 एवरीथिंग। चलो चलो, लेट हो रहा है, हम निकलना है ना, अब टाइम बहुत कम है हमारे पास, हमें 1:30 बजे यहाँ से निकलना है रात के टाइम। हमारी ट्रेन दिल्ली से है, चलो वहीं से निकलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट एंड बाय बाय दिस रूम फॉर एवर। पता नहीं इस रूम में हम वापस आएंगे या नहीं आएंगे, हम जो है ऑलरेडी निकल रहे हैं। बाय बाय माय रूम। 3 साल लगा के, 2 साल लगा के हमने इस रूम में जिया है, ऐसे जिया है कि हम हमारा घर हो, हम इसको छोड़ के जा रहे हैं। अब बाहर है, बाहर है हमारे इस हॉस्टल के लिए, इस हॉल के लिए बहुत कुछ याद है, याद रहेंगी इंशाल्लाह। अभी तो आई है, लेकिन दिल्ली को निकलना है ना, हमें दिल्ली को निकलना है, दिल्ली को। हाँ, अभी तो ट्रेन चलती रहेगी, 2 ट्रेनें जा रही हैं इस टाइम दिल्ली को।
मतलब मेरा बीकॉम फाइनल जो है वो हो गया है। अब तो मैं जा रहा हूँ घर। जितनी खुशी हो रही है उतना कम भी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द लौटेंगे वापस। भैया क्या हो गया? ना आएगा कोई सवारी? ना आएगी इस वक्त? पता नहीं बैग उतरने लग रहा है नीचे गिरना था। ये यूनिवर्सिटी के खड़े हैं हमारे, मतलब एल स्टेशन तक पहुँचते हुए ये दीवार साथ में, मतलब समझ लो कि यूनिवर्सिटी का बॉर्डर है स्टेशन तक है। चलते चलते दिखाएंगे।